हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों. आप लोग चैप्टर 10 में समिट अप कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, समिट अप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ए टू ई आपका कंप्लीट हो चुका, आज आपको एफ करना है. तो सभी बच्चों ने ये ध्यान से पूरे चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइज ध्यान से की हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी. एक्सप्रेस एस कॉमन फ्रैक्शन, इनको आपको दिए गए डेसिमल्स को किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में. हमने बहुत ही इजी मेथड बताया आप लोगों को. जैसे आप काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 डिजिट से पहले 0 है. ठीक है, तो अब लिखिए 0.738 इज इक्वल टू 738/1000. लिख लिया बच्चों, क्यों 1000 है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट से पहले डेसिमल है. अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 11.87 लिखा है इज इक्वल टू 11 या 1187 लिख लिया, या आप पढ़ सकते हैं 1187 अपॉन कितने डिजिट से पहले बच्चों डेसिमल लगा है, 2. ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड से काउंट करना है, राइट साइड से नहीं काउंट करना. ओके, तो आप सही आंसर पा सकते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, यानी 100 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1187/100. इससे क्या होता है बच्चों कि डेसिमल कैंसिल हो जाता है, इसी प्रकार से फ्रैक्शन बन जाते हैं. ठीक है, अब आपको 947.07 लिखा है, तो यहाँ पर भी देखिए कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, 2 डिजिट से पहले. तो दिए गए डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कीजिए. अब क्वेश्चन नंबर 4 में कितने डिजिट से पहले डेसिमल है, 3 डिजिट से पहले है. ओके, तो अब फिर इसमें कितने आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1000 से. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 7006/1000. आप राइट द डेसिमल एंड फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर सभी बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म जानते थे ना, कराया है हमने आप लोगों को. जैसे 73 को एक्सपेंडेड करना होता है तो कैसे करते, 70+3 लिखते हैं, 150 को लिख देते थे 100+50, या 153 को लिखते हैं 100+50+3. याद आया आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म, यस. तो यहाँ पर भी आपको करना क्या है, जैसे डेसिमल है यहाँ पर 73.5, तो आपको डेसिमल से पहले जो एक्सपेंडेड करने हैं वो आप उसी प्रकार से करें, 70+3 प्लस पॉइंट है, तो पॉइंट को आप क्या करेंगे, प्लस 5/10 लिख दीजिए. ओके, समझ में आया आपको, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशंस. और डेसिमल एक्सपेंडेड कैसे होते हैं, 0.5 लगा देंगे. ओके, अच्छा 0.101 इसको कैसे लिखना है बच्चों, इसके लिए भी आपको यही करना है. इसमें 10th, 100th and 1000 चलते ना, ऐसे लिखते ना, तो आपको करना है बच्चों, जैसे यहाँ पर 1 डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 प्लस 0.001. ओके, क्योंकि यहाँ पर 100 तो है ही नहीं, 100 के स्थान पे क्या है, 0. अब इसको फ्रैक्शन रूप में लिख लीजिए, 1/10. 0.1 को हम क्या लिखते हैं, 1/10, एंड 0.001 को क्या लिखते हैं, 1/1000. अभी आपको पढ़ाया ना हमने. अच्छा, इसी प्रकार से आप सभी को पहले आप डेसिमल एक्सपेंडेड करेंगे, फिर उसको फ्रैक्शन एक्सपेंडेड. जैसे 18/0.5 लिखा है, तो आप इसको भी बच्चों इसी प्रकार से कर लीजिए. 18 को कैसे लिख सकते हैं, 10+8. ओके, प्लस 0.5
ठीक है, 0.05। अब इसको आप फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 18 को तो उसी प्रकार से एक्सपेंडेड कीजिए, 10+8+1/0.08 है, यानी 1/100 हो जाएगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पर सॉल्व दिए हैं तो बच्चों प्लस माइनस तो आप सभी बच्चों को करना आता है, आप सभी लोग प्लस कर लीजिए, बस आपको केवल किस प्रकार से इनको प्लस माइनस करना है, डिजिट अंडर डिजिट होना चाहिए, डेसिमल अंडर डेसिमल। जैसे कि 3.47 है, ठीक है बच्चों, तो अब आप लिखेंगे 3 के नीचे 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 के नीचे 8 एंड 3 के नीचे 3, 7 के नीचे 3। ओके, अब आप लोग इस प्रकार से इनको प्लस माइनस वैसे ही करना है, यदि कैरी है तो कैरी लेना है, अदरवाइज कैरी नहीं है तो कैरी नहीं है। 28.37 है तो आपको लिखना है 28 के नीचे 18, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड 37 के नीचे लिखिए 93। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, जैसे सब्ट्रैक्शन आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही आप इसको भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपको इस प्रकार से प्लस माइनस सॉल्व करना है। आप एक्सप्रेस एज डेसिमल फ्रैक्शन, बच्चों जैसे यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिया है, तो आप करेंगे क्या, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड किया इन्होंने तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.143। इसी तरीके से रुपए और पैसे हैं, ठीक है, तो रुपए पैसे को यहाँ पर पैसे में लिखना है, 17 रुपीज़ 7 पैसे लिखे हैं ना, तो 7 पैसे जब लिखे हैं तो इसको आप क्या करेंगे 17.07 पैसे। ओके, अच्छा इसी प्रकार से 27 लीटर 97 मिलीलीटर लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो अब आप इसको लीटर में किस तरीके से लिख सकते हैं, इन्हें आप लीटर में लिखने के लिए लिखिए 27.097 लीटर। क्या किया इन्होंने, क्योंकि मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड किया है। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर केजी 43 केजी और 27 ग्राम है, 1000 से बच्चों डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 43.027, क्योंकि आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो डिवाइड करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसी प्रकार से ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है बच्चों 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको किलोमीटर में बदलना है, क्या करना है यहाँ पे किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में क्योंकि यहाँ पर इतने मीटर दिए हैं इसलिए आप इसको किलोमीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शन लाना है, क्या लाना है डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ डेसिमल नहीं हो पाएगा, इसलिए मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 का मल्टीप्लाई करते, इसीलिए इस प्रकार से हम मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, पहले आएगा 3, यानी 1.550 किलोमीटर। ओके, अब इसी प्रकार से मिलीलीटर है, क्या है बच्चों मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करिए तो इसमें भी आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आ जाएगा 3.400 लीटर। आपको समझ में आ गया है, अब आप लोग इन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए और हमें करेक्शन के लिए यहाँ पे सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव